इस साल ईद पर रिलीज होने वाली सलमान खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म रेस 3 को लेकर काफी ज्यादा मीडिया और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी हुई हैं। फिल्म रेस 3 के ट्रेलर को देखकर दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा उत्सुकता देखने को मिल रही है। वहीं पर जब बॉबी के पिता धर्मेंद्र ने इस फिल्म का ट्रेलर देखा तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि सलमान खान के साथ बॉबी रेस शेयर कर रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे 3 बेटों में से 2 एक साथ फिल्म में काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र ने आगे बताते हुए कहा, सलमान खान और बॉबी बेहद करीब है, तो मैंने अपने कई लक्षण सलमान खान के अंदर देखे हैं। वैसे देखा जाए तो सलमान खान और देओल फैमिली के साथ काफी पुराना नाता है। वहीं पर धर्मेंद्र हमेशा से ही सलमान खान को अपने बेटे जैसा मानते हैं और इसके साथ ही सलमान खान धर्मेंद्र का भी बहुत सम्मान करते हैं। कई जगह ये भी खबरें आ रही थी कि सलमान खान ने बॉबी देओल का डूबता करियर बचाया है। ताए भी जा रहा है कि लंबे समय तक बॉबी देओल को काम नहीं मिल रहा था और इसीलिए सलमान खान ने अपने फिल्म रेस 3 में बॉबी देओल को हिस्सा बनाया। फिल्म रेस 3 15 जून 2018 को रिलीज हो रही है और इसमें सलमान खान के अलावा जैकलिन फर्नांडिस, अनिल कपूर, डेजी शाह, बॉबी देओल और साकी सलीम जैसे बेहतरीन कलाकार हमें देखने को मिलेंगे।